ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की जय। जय परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महामणि राज की, समस्त आचार्य संघ की। आप लोगों ने सुना तो होगा, लेकिन उसके ऊपर विचार शायद नहीं किया होगा। वो यह है, समुद्र में मछलियां रहती हैं और मछलियों का भोजन भी वहीं पर उन्हीं मछलियों का ही होता है प्रायः। किंतु बड़ी मगरमच्छ मछली वगैरह होते हैं, वे बहुत कुछ समय के बाद भोजन करते हैं। जो किया है भोजन, उसको वो अच्छे ढंग से जब तक नहीं पचता तब तक दूसरे की ओर नहीं देखते। ये तो हुआ वो बड़ी मछली की बात। किंतु एक छोटी मछली भी रहती है जो मछलियों को खा नहीं सकती, इतनी छोटी रहती है, लेकिन वह मछली के कानों में रहती है। मछली के कानों में रहती, जिसको तंतुल मच्छ बोलते हैं, चावल के बराबर। किंतु इस दृश्य को देख करके वह हमेशा विचार करती है, देखो ये बड़ी मछली आंखें बंद करके सोई है और इसके मुख में कई हजारों मछलियाँ प्रवेश करती और बाहर आती और ऊपर या भीतर जाती आती रहती है। ये तो पागल है। इसके स्थान पर यदि मैं बड़ी मछली होती, सुन रहे हो, तो एक को भी नहीं छोड़ती। अब बताओ, जिसने कुछ भी खाई नहीं वह भी, और जो खाती है वह भी नरक गति में जाते हैं। किंतु सप्तम पृथ्वी में जाकर के जब दोनों पंचेंद्रिय हो जाते हैं, उस समय उन्हें जाते स्मरणाधिक हो जाते हैं। अब वहाँ पर जाने के उपरांत वह सोचती है, दोबारा हमें इस प्रकार का कार्य नहीं करना चाहिए। और नारकी जीव ही ऐसे होते हैं जो मरना चाहते हैं, बाकी सभी गति के जीव और जीना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर विषयों का भरमार है, उसके सेवन करने के लिए वे हमेशा तत्पर रहते हैं। क्योंकि वहाँ पर पंचेंद्र के विषय मिलते नहीं, यदि मिलते हैं सारे के सारे प्रतिकूल ही मिलते हैं। प्रतिकूलता में नारकी जीव सोचते हैं, मर जाऊँ तो अच्छा, लेकिन छूट नहीं सकता, उसका अकाल मरण नहीं होता। और आप लोगों को यदि मरण आने को होता है तो मैं और जीऊँ और जीऊँ और जीऊँ सोचता। यह जीवन मरण का खेल किसके ऊपर चल रहा है? आपने जो अतीत में भाव किए हैं उसके अनुसार गति का बंध हो गया है,
गति का बंद होने के उपरांत, आयु का बंद होने के उपरांत उसका किसी भी प्रकार से समापन नहीं हो सकता जब तक वह पूर्ण नहीं हो। सोच लीजिए, विचार कर लीजिए, इसी प्रकार स्वर्गों में भी होता है, नरकों में एक प्रकार से हो गया तो देवों में भी ये स्थिति है। बहुत लंबी आयु तक रह करके भी वे आत्मा के स्वभाव के बारे में न सोचकर वहाँ पर विषयों में ही रमते रहते, एक को विषय नहीं मिलते इसलिए मरण की इच्छा कर रहा है, और ऊपर वाले अभी छूटे नहीं तो अच्छा, अभी छूटे, छूटने लग जाता है उस समय वह रोता है। सुन रहे हो? नरकों में हमेशा हमेशा रोता रहता है, तो स्वर्गों में अंत समय में 6 महीने में रोने लग जाता है, ये सारा वैभव हमारा छूट रहा है, सारा का सारा परिवार, वहाँ पर परिवार नहीं रहते हुए भी आगे पीछे के भोगों में तो होने वाले या हो गए हैं उनके बारे में सोचता रहता है। वैचित्र यह कर्मों का है, वैचित्र उस आयु का है जो उस क्षेत्र में जा करके उसको छोड़ देता है, जहाँ से आने में देरी है लेकिन जब पक्की हो जाती है बात तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। ये कुछ भी अच्छा नहीं लगना ज्ञान की दशा में होना चाहिए तो वह कर्म की निर्जरा के लिए कारण होता है, किंतु ज्ञान के नहीं अज्ञान के कारण हम उसको और बनाए रखना चाहते हैं। इसको आप भूल जाओ। किसी को रोग से मरण होता है, किसी को कोई रोग नहीं था फिर भी मरण करना पड़ता है। बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं, दीर्घ संगन का उदय रहता है और उनको कभी रोग प्राय करके नहीं होते, लेकिन फिर भी इन लोगों का अकाल मरण भी होता है। भावों में एक ऐसा चक्र रहता है जिनके कारण दीर्घ संगन होते हुए भी यूं ही मरण को प्राप्त हो जाता है। मरण और जीवन के बारे में इस रहस्य को जो व्यक्ति जानता है वह सुख के कारण और दुख के कारणों में भी अपने ज्ञान का उपयोग करके और उसके ऊपर विश्वास करता हुआ, एक खेल है ये खेल, कब तक चलता रहेगा? जब तक आप उसको खेलेंगे नहीं है तो अपने आप ही बंद होता है, किंतु खेल समाप्त होने के उपरांत भी उसी ओर नजर रखना ये अज्ञान का काम है। बच्चे कभी भी ऐसे नहीं करते, वो अपने बरसात के दिनों में वर्षा होती है तो मिट्टी को अपने पैरों पर चढ़ा देते हैं, घरौंदा जिसको बोलते हैं आप लोग छोटे बच्चे, तो वो बनाते रहते हैं। और जो ही घर के भीतर से आवाज आती है, बेटा रसोई तैयार है, तो क्या करता है वो, जिसको बनाता है उसको बिगाड़ देता है अपने हाथ से। उसकी कितनी निरीहता है। देखो, खेल को खेल समझो, यह भी एक खेल है आप लोगों का। है क्या नहीं खेल? लेकिन इसको कोई खेल समझता ही नहीं, रोते हुए बैठ जाते हैं, जाने वाला भी और जिसका जाने वाला है वो भी, ये जा रहे हैं। जाने वाला कहता है कि मुझे इसको छोड़ करके जाना पड़ रहा है,
इस प्रकार आप लोगों की कितने बार जन्म हुए और कितने बार मरण हुए इसकी गिनती भगवान भी नहीं कर सकते। इतने भाव हो गए, अब तो कम से कम और एक भाव मिले ऐसी इच्छा मत रखो। ये भाव एक प्रकार से आप लोगों को घुमाने में कारण होता और भाव बाकी जो कर्म होता है उसको आयु कर्म की संज्ञा दी गई है। ये आयु के कारण ऐसा होता है। तो पुराण पुरुष जितने भी आयु का बंध ना हो ऐसी साधना हमेशा हमेशा करते हैं। ये ज्ञानियों का कर्तव्य मौन रूप से इस चित्रण को वो देखते रहते हैं किंतु आप लोग उसमें रच पच जाते हैं। रचना और पचना एक प्रकार से अज्ञान का प्रतीक होता है। चाहे वह सुख हो चाहे वह दुख हो, वह सारे के सारे कर्मों के अनुसार होते हैं। इस रील को हमेशा हमेशा हमें देखते रहना चाहिए। यह रील है, ये भी रील ले रहा, अभी भी ले रहा हूँ। स्वयं अपना जीवन भी एक फिल्म है और उसमें चित्र हैं। उन चित्रों को देखते रहो, जब वह पूर्ण हो जाता है क्या कहते हैं, शांत रहा भूलने का चाले संभले। अब वहां पर केवल पर्दा रहता है और कुछ नहीं रहता। उस पर्दे को देखो, पर्दे को देखने के लिए इसने पैसे खर्च किए थे क्या? नहीं। उसी प्रकार यह जब बंद हो जाता है उस समय समझता है कि आप समाप्त हो गया। ज्ञानी लोग अपने आप ही समझते रहते हैं। एक एक फिल्म, एक एक आयुकर्म के निषेक चले जाते रहते हैं। रुकने का नाम ही नहीं। जीवन में केवल मरण ही रहता है क्योंकि आयु कर्म का क्षय होता रहता है। उसको नया कुछ मिलने वाला नहीं। जब मिलेगा तो यह नहीं रहेगा। और जब यह नहीं, जब तक रहता है तब तक जो बंद रहा है वह हृदय में नहीं आ सकता, क्योंकि फिल्म अनेक प्रकार के हैं। एक का पूर्ण होना फिर दूसरे का चालू होना, यह वैचित्र है। वहाँ एक प्रकार से इतने जोर से चलता बताते हैं फिल्म कि कम से कम एक फिल्म उदय में आ जाता है तो कम से कम 16 बार यदि आता है तो उसमें क्या होता है, जैसे भाग रहे हैं, भागते कुछ है ही नहीं, बोल रहे हैं बोलते कुछ है ही नहीं एक फिल्म में, किंतु वह जब भागता रहता है तब लगता है कि यह चित्र चल रहा है, किंतु वस्तुतः है यह नियम नहीं है। आप लोगों का भी ऐसा ही पड़ा रह जाता है। सब लोग उसके चारों ओर बैठ करके रोने लग जाते हैं और ऊपर वह देख रहा है, देखो ये कितने हैं, हम तो यहाँ पर आ गए। कभी हम लोगों ने सोचा, आप उनके बारे में तो सोचते रहते हो, वो आपके बारे में क्या सोच रहा है यही आपको ज्ञात नहीं। सब लोग रम जाते हैं और यहाँ पर जो बैठे हैं उनका सब छूट रहा है, वही याद आ रहा है। इस नश्वरता के बारे में आप लोगों को समझना चाहिए कि नश्वरता प्रति समय नष्ट ही हो रहा है, उसमें नए सिरे से कुछ जुड़ नहीं रहा है। क्योंकि फिल्म 3 घंटे का है तो 3 ही घंटे का है, उसको वापस ले नहीं सकते। उसी प्रकार आप लोगों का भी जीवन या व्यतीत हो रहा है, उसको वापस ला नहीं सकते। इसलिए आप लोग इसको बहुत समझदारी के साथ खर्च करो।
खर्च करने की बात ही नहीं है, खर्च होता ही जा रहा है। और आपको उस संबंधी हमेशा हमेशा रकम, रकम का मतलब धन, लगाना ही पड़ता है और लगाना ही चाहिए। उस लगाने से पूर्व में आपको जो अर्जित किया है उसको बड़ी सावधानी के साथ, पैसे जैसे खर्च करना नहीं चाहते उसी प्रकार के आयु कर्म को, आयु कर्म के क्षणों को बेकार खर्च नहीं करना चाहिए। आप लोग टाइम पास करते हैं, टाइम पास का अर्थ क्या होता है, बोरियत हो गई है, नहीं समझे, मन नहीं लग रहा है, इसलिए और किसी काम में लगा देना, ये ठीक नहीं है। ज्ञानी लोग इसको लग तो रहा है, वो चल रहा है, इसका उपयोग करो। उपयोग करने वाला व्यक्ति एक क्षण भी इतना अर्जन कर सकता है उसका ठिकाना नहीं होता। इसलिए कर्म निर्जरा के विषय में एक समय में असंख्यात गुनी कर्म की निर्जरा होती है। आगम का वाक्य बहुत महत्वपूर्ण है। एक उवासी लेते समय जितने क्षण होते हैं उसमें असंख्यात गुनी कर्म की निर्जरा आप कर सकते हैं। इसीलिए धर्म ध्यान किया जाता है। धर्म ध्यान करने का उद्देश्य क्या है बता? हाँ, पंचेंद्र के विषयों को मांग करने के लिए नहीं है ये, किंतु इसमें कोई तथ्य नहीं है, किंतु सार रहित है। ये जान करके प्रत्येक क्षण जो कर्म का उदय आ रहा है, बोला क्या करें, कभी कभी मन लगता है और कभी कभी बोलो नहीं लगता, तो कहाँ लगता है बताओ, कहीं कुट्टी है जिसमें वो लग रहा है, हाँ लटका हुआ है, लगता है तो कहाँ लगता, कहीं न कहीं लगता रहता है, इन्हें उसी को वह देखता रहता है। इसी का नाम दुर्ध्यान माना जाता है। स्मृति समन्वाहार है, इसके शब्द दिया है, हमें वही स्मृति में आता रहता, उसको नहलाते हुए उसमें समता रखना, ये ज्ञानी का कार्य होता। बहुत बार बड़ा सोचते तो हैं लेकिन समता आती नहीं। अरे आप लोगों ने उसको भगा दिया, घर से बाहर निकाल दिया, वो कैसे आएगी? ज्ञानी के कमरे में हमेशा समता रहती है तो मोही के कमरे में ममता रहती है। अब क्या चाहते हो बताओ, समता है ममता? देखो दोनों में हम आपको सही अर्थ बता देते हैं। समता मैंने समान राग द्वेष नहीं करना, सम समीचीन रूपेण अतति व्याप्नोति संचेतेति, वह समता, ये समता की व्याप्ति है। और ममता का अर्थ मम, मम यानी मेरा, मेरा स्वभाव क्या है, मम मैंने मेरा और ता मैंने अपना धर्म, तो मेरा स्वभाव क्या है, इस प्रकार चिंतन करना भी ममता है। समझ में नहीं आया आप लोगों को, व्याकरण जितने समझा है, ममता मैंने मेरापन, मेरापन किसमें है, इंद्रियों में नहीं, इंद्रिय विषयों में नहीं, किंतु मेरा स्वभाव उपयोगो लक्षणम उसमें है। उस ज्ञान के द्वारा ममत्व के विषय में, मेरेपन के विषय में, मैं कौन हूँ इस विषय में चिंतन करना ममता है। और नहीं तो समता रखो, राग द्वेष नहीं करो, ये समता है। दोनों बहने हैं हमारे, नहीं समझे, ये दोनों बहने नहीं, वे क्या है, हाँ ये दूसरपुर का है काम, नहीं व्याख्या है, भाषा का चमत्कार यही है। ज्ञानी हमेशा हमेशा कोई भी ग्रंथ का कोई शब्द उठा लेता है और उसमें अर्थ के अनुसार ही अपना चिंतन
चलाता रहता है, कभी वह ऊबता नहीं, यानी बोरियत उसको नहीं होती, क्योंकि इसकी कीमत कोई भी चुका नहीं सकता है। स्वर्ग का सारा वैभव भी मिल जाए, मनुष्य भोग एक क्षण मिलना बहुत महंगी है चीज, बाजार में आई तो है लेकिन हमारे पास पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं, इसलिए बाजार में जाओ नहीं, और पैसा होता है तो बाजार में ही चले जाते हैं और खरीदते हैं। आप लोग चमत्कार को ही विशेष महत्व देते हो, किंतु चित चमत्कार को कम से कम महत्व दिया करो। तो इस प्रकार समता और ममता याद रखोगे, दोनों हैं, दोनों में कर्म निर्जरा करना सीख लो, अहिंसा परमो धर्म।